फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में आगे हम बढ़ रहे हैं और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ये हमें डिस्कस करना है। ये प्रोविजंस ऐसे हैं जो हम अकाउंटिंग सीखेंगे पार्टनरशिप में, वो बार बार ये यूज होने वाले हैं। इन प्रोविजंस को अच्छे से हमें माइंड में सेट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बाद आगे बढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ में हमारे पास है सम अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कुछ सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, उन्हें डिस्कस करना है और वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बट फर्स्ट प्रोविजन की हम बात करें जो कि हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, तो उसे हमें सीखना है, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है कि हम उसे प्रिपेयर करें, मतलब एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में रिटन हो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ओरल एग्रीमेंट भी चल सकता है। तो अगर डीड या ओरल एग्रीमेंट में किसी क्लॉज या किसी मैटर को लेकर के पॉइंट साइलेंट है और उसके कारण से किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उस डिस्प्यूट की कंडीशंस में हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस अप्लीकेबल किए जाते हैं, उन्हें पढ़ना है। तो यहां मैंने लिख के रखा हुआ है, व्हेन डीड इज साइलेंट और नॉट एग्जिस्ट, अगर डीड किसी मैटर में साइलेंट है या डीड नहीं बनाई गई है पार्टनर्स के बीच में, और नॉर हैविंग एनी एक्सप्रेस और ओरल एग्रीमेंट इन एनी मैटर, या फिर पार्टनर्स के बीच में किसी भी प्रकार का एक्सप्रेस ओरल एग्रीमेंट नहीं किया गया है किसी मैटर को लेकर के, देन प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड बी अप्लीकेबल। उस केस में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स लगाते हैं। वे रूल्स क्या है? तो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमने पढ़ा, हेडिंग लिखी हुई थी प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो हम इन प्रोविजन को सेग्रीगेट करके अलग रख रहे हैं, ऐसे प्रोविजंस जो हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ध्यान रखने के लिए जरूरी हैं। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बिलो प्रोविजंस आर इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू लर्न, इसे हमें सीखना है। फर्स्ट प्रोविजन देखें, सैलरी ऑब्लिक कमीशन और एनी रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर। फर्म में कोई पार्टनर बिजनेस कर रहा है, वर्किंग पार्टनर है, और किसी प्रकार से अगर डीड नहीं बनाई गई है या सैलरी कमीशन के लिए कोई क्लॉज नहीं मेंशन किया है डीड में, या फिर डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या फिर पार्टनर्स के बीच में किसी भी प्रकार का ओरल एग्रीमेंट नहीं किया गया है, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या हम पार्टनर्स को फर्म में एज अ वर्किंग पार्टनर काम करने के लिए किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन देंगे या नहीं देंगे। तो क्लॉज बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कि बिजनेस आपका है तो काम आपको ही करना पड़ेगा, इसके लिए किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन पे नहीं करेंगे। तो यहां लिखा हुआ है, नो रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस इज टू बी अलाउड टू अ एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को किसी भी प्रकार का रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये एक्चुअली कहां दे रखा है? तो ये हमारे पास है सेक्शन 13A ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये मेंशन किया गया है, सैलरी कमीशन और एनी रेमुनरेशन टू अ पार्टनर, तो कोई भी रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा, नो रेमुनरेशन। और ये कहां पर है? सेक्शन 13A ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सेकेंड पॉइंट देखें, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमारे पास सेकंड पॉइंट है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट और लॉस के लिए अगर मैटर साइलेंट है, डीड में कोई क्लॉज नहीं लिखा है कि प्रॉफिट किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है, लॉस किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? बाय डिफॉल्ट इक्वली हमें पार्टनर्स के बीच में रेशियो मानना पड़ेगा। अगर दो पार्टनर हैं तो रेशियो होगा 1:1, तीन पार्टनर हैं तो रेशियो होगा 1:1:1, फोर पार्टनर्स हैं तो रेशियो होगा 1:1:1:1। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, ये पॉइंट कहां लिखा है एक्ट में? तो सेक्शन 13B में ये स्पेसिफाइड किया गया है क्लॉज, सेक्शन 13B के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 13B में बोला गया है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी भी प्रकार का डीड नहीं बनाया गया है या डीड साइलेंट है इन द मैटर ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वली, उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है तो उस कैपिटल पे हम क्या रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अगर डीड साइलेंट है या डीड नहीं बनाई गई है या एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं किया गया है पार्टनर्स के बीच में। तो सिंपल सा है, बिजनेस आपका है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑब्वियसली आप ही करेंगे, तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट फर्म पे करने के लिए लाइबल नहीं है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन कैपिटल, क्योंकि फर्म में पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक प्रकार से क्या होगा, एक्सपेंस होगा। बट अगर डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मैटर में रेट स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं किया गया है, तो सेक्शन 13C में स्पेसिफाइड किया गया है कि किसी भी प्रकार का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन अलाउड ओनली इफ द एग्रीमेंट प्रोवाइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउ किया जाता है जब क्लियर एग्रीमेंट में हमने उस पॉइंट को क्या किया हो, मेंशन किया हो या ओरल एग्रीमेंट किया गया हो, टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। और बिजनेस में जितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा उतनी ही लिमिट तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। अगर मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी हो जाए कि प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेटेड अमाउंट ज्यादा है, तो हम जितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा उतना ही पार्ट अप्रोप्रिएट करेंगे। इट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये आपको बाद में समझ में आएगा जब हम लोग थोड़ा सा दो चार पांच वीडियोस अच्छे से कवर कर लेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मैंने यहाँ क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना होता है, जितना टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट होगा उतना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन है प्रोविजन नंबर 4 जो कि सेक्शन 13B में मेंशन किया गया है। ये है प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ऑब्लिक लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन प्रोवाइड किया है तो उस केस में इंटरेस्ट का क्या रेट रहने वाला है इन केस डीड इज साइलेंट ऑन दिस मैटर। अगर डीड में ये पॉइंट नहीं मेंशन किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस लोन पर कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा, तो उस केस में क्लियर डी सेक्शन 13D में लिखा हुआ है। सेक्शन 13D इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। हमें उस केस में पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा किस परसेंट से, 6% पर एनम। ये पर एनम वर्ड का क्या मतलब है, जब हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीखेंगे तो वहां पर डिसाइड करेंगे कि इसको कैसे करना है, किस रेट से चार्ज करना है, कैसे करना है। बट हम यहाँ पर सिर्फ प्रोविजन की बात कर रहे हैं, तो प्रोविजन में इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ऑब्लिक लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, अगर पार्टनर ने फर्म को किसी भी प्रकार का कोई लोन प्रोवाइड किया है तो उस केस में अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम से दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, तो इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड इवन इफ देयर इज लॉस। अगर फर्म को लॉस भी होगा तो भी हम इस अमाउंट को, इंटरेस्ट के अमाउंट को जो कि लोन पर है उसे चार्ज करेंगे ही करेंगे और लॉस से एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5th, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स की है तो उस केस में डीड साइलेंट है तो क्या कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो जिस प्रकार से कैपिटल पे जब हम डीड साइलेंट थी तो कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे, फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रही थी, उसी प्रकार से अगर पार्टनर फर्म से कोई अमाउंट विथड्रॉ करेगा तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग। तो ये प्रोविजंस थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के से रिलेटेड पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, जिसको हमें ध्यान रखना है ताकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय इन पॉइंट्स को याद रखें। तो पहला पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था वो आप इजिली समझ सकते हैं, क्या था, सैलरी कमीशन बोनस एक्सेट्रा एनी रेमुनरेशन, तो कोई रेमुनरेशन पे नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो इक्वल शेयर रहेगा। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। फोर्थ पॉइंट डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ऑब्लिक लोन बाय अ पार्टनर, तो इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम से दिया जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किए जाएंगे। तो ये नॉर्मल प्रोविजंस थे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेट करते हैं। आगे हमें देखना है अदर प्रोविजंस, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के अदर प्रोविजंस क्या हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पार्टनर्स चाहें तो उस फर्म को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं या चाहें तो अनरजिस्टर्ड फर्म ही चला सकते हैं।
अब सवाल यह है कि रजिस्टर्ड जब ऐसा ऑप्शन है तो कोई भी रजिस्टर्ड क्यों करवाएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड फर्म के अपने बेनिफिट होते हैं, वो आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो उसमें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों किसी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना इम्पोर्टेंट रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है, हमें क्यों फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। नॉर्मली सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। सेकेंड प्रोविजन जो हमें अदर प्रोविजंस में पढ़ना है, दैट इज टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कैन बी इफेक्टेड ऑन और आफ्टर ऑफ द फॉर्मेशन। जिस दिन हमने पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन किया है, एस्टेब्लिशमेंट किया है, उस दिन से किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन का जो टाइम पीरियड है वो इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ही हम पार्टनरशिप फर्म के फॉर्मेशन के बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थर्ड प्रोविजन है सूट बाय ऑब्लिक अगेंस्ट। ये पॉइंट नंबर 1 से हम लिंक करेंगे सेक्शन 69 से। नो सूट कैन बी फाइल्ड बाय अनरजिस्टर्ड फर्म और बाय इट्स पार्टनर, बट थर्ड पार्टी कैन फाइल सूट अगेंस्ट द अनरजिस्टर्ड फर्म और इट्स पार्टनर। तो कोई फर्म अगर अपने आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं करवाती है तो उस केस में क्या लॉस होता है कि अनरजिस्टर्ड फर्म किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर या अपने पार्टनर्स के ऊपर या पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लीगल केस नहीं कर सकते हैं। वहीं अनरजिस्टर्ड फर्म पे और उसके पार्टनर्स पे कोई थर्ड पार्टी चाहे तो लीगल केस कर सकती है किसी भी डिस्प्यूट की कंडीशन पे। तो ये एक डिसएडवांटेज है, इसी कारण से पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए जबकि ये कंपलसरी नहीं है। अगला प्रोविजन देखें तो प्रोविजन नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ माइनर पार्टनर। तो ये हमने डिस्कस किया था फीचर्स में कि नॉर्मली इन जनरल सेक्शन 30 में बोला था, सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, कि इन जनरल कोई भी पार्टनर माइनर अगर है तो उसे हम पार्टनर ट्रीट नहीं कर सकते हैं, माइनर को पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते हैं। बट पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए सभी पार्टनर्स की सहमति से उसे फॉर अ टाइम बीइंग पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर इंटर किया जा सकता है। तो ये पॉइंट वही लिखा है सेक्शन 30 का, अ माइनर पार्टनर इज जनरल कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है तो माइनर पार्टनर को हम नॉर्मल पार्टनर की तरह बिजनेस में इंटर नहीं कर सकते हैं, बट ऑलरेडी फॉर्मड अ पार्टनरशिप फर्म में एक माइनर पार्टनर को फर्म के बेनिफिट के लिए इंटर किया जा सकता है। तो ये हमने पॉइंट नंबर 4 डिस्कस किया। इसके बाद हमारे अदर प्रोविजंस में हम पॉइंट नंबर 5th में जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 5th में है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या किसी पार्टनर को कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जा सकता है? तो सिंपल सा है, सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है, अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर और अकॉर्डेंस विद एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। किसी भी मेंबर को, किसी भी पर्सन को हम एज अ पार्टनर इंटर कर सकते हैं अगर सभी पार्टनर्स की सहमति है या सभी पार्टनर्स के सामने उस पर्टिकुलर पर्सन ने किसी भी प्रकार का एक्सप्रेस एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट में सभी पार्टनर्स ने अपनी सहमति दी है, तो किसी भी पार्टनर को कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप फर्म में इंटर किया जा सकता है। तो ये था हमारा अदर प्रोविजन नंबर 5th। नेक्स्ट प्रोविजन है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सिमिलर जिस प्रकार से किसी भी पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, तो सेक्शन 32 बोलता है, अ पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग्स पार्टनर। एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है अगर सभी पार्टनर्स ने सहमति दे दी है या फिर उस पार्टनर ने फर्म से रिटायरमेंट होने का नोटिस या एक्सप्रेस एग्रीमेंट सभी पार्टनर्स के सामने रख दिया है, तो वह पार्टनर चाहे तो फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। ये उसका अपना खुद का डिसीजन होगा। सेक्शन 32 में ये पॉइंट है। नेक्स्ट प्रोविजन है पॉइंट नंबर 7 में सेक्शन 35 का डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय अ पार्टनर फर्म में डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। हमने अपने चैप्टर के सिलेबस में पढ़ा था कि हमें इन सब चैप्टर्स को कवर करना है, फंडामेंटल्स, फिर गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और फिर डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। उस डिसॉल्यूशन में एक पॉइंट आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर
एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो सेक्शन 35 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि आपके पार्टनर्स की डेथ हो जाने की कंडीशन में फर्म कंटिन्यूअसली एक बार तो डिसॉल्व मान ली जाएगी, फिर बचे हुए पार्टनर्स चाहें तो उस फर्म को वापस कंटिन्यू कर सकते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं बिजनेस को, कि तीन पार्टनर्स थे, तीन में से एक पार्टनर्स की डेथ हो गई है तो बचे दो पार्टनर्स चाहें तो फर्म को वापस एस्टेब्लिश कर लें, रिकॉन्स्टिट्यूट कर लें और बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर के लीगल हायरर को उस पार्टनर का अकाउंट सेटल करके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकलता होगा या लेना या देना जो भी निकलता होगा उसे सेटल करते हुए अपने अकाउंट्स को एक बार कंपलसरी क्लोज करना ही होगा। तो ये है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का एक पॉइंट जो क्लॉज है कि डेथ के केस में फर्म डिसॉल्व होती है उसके बाद पार्टनर्स चाहें तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट अदर प्रोविजन में हमारे पास है नेचर ऑफ लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है। तो हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमने पढ़ा था, सिंस फर्म एंड इट्स पार्टनर आर नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हमने क्लियर बात करी थी कि जिस प्रकार से सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर और सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस आपस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसीलिए उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। सिमिलर फर्म में उसके पार्टनर्स के बीच में किसी भी प्रकार का सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट हो सकते हैं बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसीलिए पार्टनर्स की ज्वाइंटली या इंडिविजुअली लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो ज्वाइंटली की बात करें तो फर्म की लाइबिलिटी सभी पार्टनर्स को मिलाकर के अनलिमिटेड होती है, या अगर फर्म के डेट का पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स को भी यूज करके इंडिविजुअली हम असेट्स को यूज करके फर्म की लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, कोर्ट उनकी पर्सनल असेट्स को भी अटैच कर सकती है फर्म के डेट को पेमेंट करने के लिए। तो ये प्रोविजन था प्रोविजन नंबर 8 नेचर ऑफ लाइबिलिटी। नेक्स्ट प्रोविजन है राइट टू टेक पार्ट, हर एक पार्टनर को यह राइट है कि वो बिजनेस की एक्टिविटीज में अपना रोल अदा करे, ठीक है। तो ये सेक्शन 16 में दे रखा है, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सभी पार्टनर्स को राइट है कि वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए पार्टनरशिप फर्म के हर एक बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन कर सकता है। नेक्स्ट प्रोविजन है प्रोविजन नंबर 10 पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय द पार्टनर। हमने एक पॉइंट पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का, तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है जहां पर हर एक पार्टनर अपने आप में एक एजेंट भी है एज वेल एज प्रिंसिपल भी है। एवरी पार्टनर मस्ट पे टू द फर्म द पर्सनल प्रॉफिट्स अर्नड बाय हिम, हर एक पार्टनर्स को उसके द्वारा अर्न किए गए पर्सनल प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, अगर इफ एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, अगर वो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कहां से, ट्रांजेक्शन जो कि फर्म से कोरिलेट कर रहा है, उससे रिलेट कर रहा है, तो हम उसको प्रॉफिट को वह पार्टनर सभी पार्टनर्स के साथ में क्या करेगा, शेयर करेगा। और यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और फ्रॉम कॉम्पीटिंग बिजनेस, या फिर पार्टनर इंडिविजुअली कोई ऐसा बिजनेस चला रहा है जो कि फर्म के बिजनेस से सिमिलर है और फर्म के बिजनेस को कॉम्पीट करते हुए वो कोई इंडिविजुअली पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर पर्सनल प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ में शेयर करना पड़ेगा। ये सेक्शन 16 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बोला है, क्या बोला है, एवरी पार्टनर मस्ट पे टू द फर्म द पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय हिम From any transaction of the firm or use of firm's property, firm की property या firm के transaction से relate करते हुए कोई भी partner individually कोई personal profit earn करता है तो वह partner बचे हुए remaining partner के साथ उस profit को share करेगा। तो ये हमने clause पढ़ा section 16 का point number 10 में। इसके बाद जो हमारा अगला clause है duty to bear personal losses, similarly जब प्रॉफिट की बात हुई तो प्रॉफिट शेयर किया, वैसे ही अगर किसी पार्टनर को के द्वारा कोई भी कार्य किया गया है, एक्ट किया गया है, उसके कारण से अगर लॉस हुआ है तो सिंस इट इज अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप तो उस लॉस को सभी पार्टनर बियर करेंगे और ये कंपलसरी
बियर किया जाएगा. एवरी पार्टनर मस्ट बियर द पर्सनल लॉस इनकर्ड बाय हिम फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी. सभी पार्टनर्स को किसी एक पार्टनर द्वारा इनकर किए गए लॉस को बियर करना पड़ेगा अगर वो फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके या फर्म के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, तो उस लॉस को सभी पार्टनर बियर करेंगे. नेक्स्ट प्रोविजन है इम्प्लाइड अथॉरिटी. एवरी पार्टनर ऑफ अ ट्रेडिंग फर्म हैज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स बट नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. पार्टनर ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो सभी पार्टनर को ये राइट है, इम्प्लाइड राइट है, अथॉरिटी है कि वह उस फर्म से रिलेटेड रॉ मटेरियल्स, गुड्स, फिनिश गुड्स का परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग. बट इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल या परचेज करने से रिलेट करने वाले ट्रांजेक्शन में सभी पार्टनर्स की सहमति होना जरूरी है. अगर सभी पार्टनर्स सहमत हैं तो ही इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज या सेल की जा सकती है. बट रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, इनकी परचेज या सेल करने के लिए सभी पार्टनर इंडिविजुअली अथॉरिटी रखते हैं. तो ये पॉइंट था क्लॉजेस, हमने इसको कंप्लीट किया. तो आज का सेशन हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है और ये छोटे छोटे क्लिप्स से आपको बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस देखने में हम ज्यादा बर्डन महसूस नहीं करते हैं. और अगले वीडियोस में हम लोग कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट जो पार्टनरशिप से रिलेटेड हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे. आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको बताइए ताकि वो लोग वीडियोज देख करके घर बैठे अपना कवर कर सकें. थैंक यू.